अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 136 में वार्ड में जो गुड़दल्ली अले गुड़दल्ली से बोलती वहाँ जो बसांत है शिवाजी नगर को डिस्ट्रिक्ट को मार्केट को बहुत सहूलत थी। बाद में क्या हुआ तो बसा बंद हो गया वहाँ ट्रैफिक की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज मीजर जमीर अहमद साहब और बीके अल्ताफ पूरे मिल को आज यहाँ बसा है सका पब्लिक को आवाम को जो बैका इन गांधब जाना करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर रोड को आपको बस चढ़ना था इतना आसान करी अब बीजर जमीर अहमद साहब उड़दल्ली के अंदर हमारे मोहल्ले के अंदर बसा ही तो शिवाजी नगर को सब जगह जाने सहूलत होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिशा और बहुत अच्छा काम कर लग तो अलग अच्छे और बीके अल्ताफ खान भी काम कर लग अलग कहीं और बीजर जमीर अहमद साहब भी काम कर लग अलग कहीं। माशाल्लाह अच्छा एरिया देख को खुशी हुई छोड़ रहा हमारे एक बसा दियर को अपन तो बैग आगे तो भी गुड़गल्ली को बोले तो ऑटो वाले आते नहीं शामा हो गई तो रात हो गई तो कौन जरा मीटर भी डबल पूछती तो बैग पंप छोटे मोटे हालत के थी उनको सब एक सलीस होगा सीधा एरिया के अंदर आको गुड़गल्ली के अंदर उनके मोहल्ले को पहुँचे जा वो भी फ्री बिना टिकट के बीजर जमीन अहमद सब कांग्रेस की वजह से बिना टिकट के फ्री आको उठेगा। ये आज हमें बहुत ही खुशी और मुसरत का मौका है के तमाम देवराजस नगर के अवाम को एक सहूलियत जो पहले आकर दिया जा रहा था अभी आकर फिर से आकर चालू हुआ है। तो मैं यहाँ पर यहाँ के हमारे चामराजपेट के एमएलए का आकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ की जो लोकल पब्लिक की जो ग्रीवेंस थी कि यहाँ पर आकर एक ट्रैफिक का मामला भी था और बहुत सारे अहबाब यहाँ से जो शिवाजी नगर हो या फिर मार्केट या फिर मेजिस्टिक को जाने के लिए जो दुश्वारियाँ थी वो दुश्वारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल जदोजहद के साथ आकर यहाँ पर देखने को मौका मिल रहा है कि आज इसका आकर फिर से आकर एक इनॉग्रेशन हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे चामराजपेट असम्बली के एमएलए जनाब बीजेड जमीर अहमद साहब जो उन्होंने जो इस छोटी सी चीज़ को जो आकर हमारे से छूट गई थी जो यहाँ पर लोकल पब्लिक को आकर जाने में जो आसानियाँ थी उसे आकर एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में आकर एक तो रोड्स क्लियर कर रहे हैं और पार्किंग की जो यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीका हो चुका था अभी आकर यहाँ पर तब्दीली आई है। मैं उनका आकर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ लोकल कॉरपोरेटर का भी आकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी आकर इस एक एजेंडे को क्या है बोले तो एक फुलफिल करने की कोशिश किया। हमारे और भी आकर बहुत सारे एजेंडे हैं वो आकर मैं आपको बोलना मैं बेहतर समझता हूँ क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। जैसा कि हमने आकर आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से उन्हें हम एक लेटर भी देना चाह रहे हैं जो यहाँ पर आकर देवराजस नगर समादाय भवन यहाँ करीब में आकर एक डंपिंग यार्ड हो चुका है तो उसे डंपिंग यार्ड तो यहाँ की जो आवाम के लिए एक बेहतरीन स्विमिंग पूल आए ये हमारी आकर सोच है। और ठीक उसी तरीके से जो सामने का ग्राउंड है इस ग्राउंड को आकर वॉलीबॉल ग्राउंड बनाएं और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक मल्टी स्टेयर बिल्डिंग है बीबीएमपी की उसे भी आकर एक अच्छे पैमाने पर एक स्पोर्ट्स क्लब बनाएं क्योंकि हम यहाँ पर यहाँ के लोगों को जब देख रहे हैं यहाँ के युवाओं को देख रहे हैं कि ये लोग आकर ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ के युवाओं के ऊपर आकर तवज्जो देकर एक स्पोर्ट्स की तरफ रुझान देकर इनका आकर डेवलपमेंट में साथ दें। शुक्रिया। बहुत दिनों से यहाँ की बहुत बड़ी तकलीफ़ थी ये बस की यहाँ शिवाजी नगर जाने वाले मार्केट जाने वालों को और अल्लाह के फजल से जो है ऑटो स्टैंड भी ओपन हो गया वो भी ऑटो ड्राइवर भी बहुत खुश हैं माशाल्लाह। अल्लाह जजाए खैर दे हमारे जमीर भाई को ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं इनकी बचपन की खाओ खिलाओ या बचपन से खाना खिलाना जो है एक इनकी आदत है मगर अल्लाह इनको हर कदम कदम पर अल्लाह गैबी मदद नुसरत नसीब फरमाए। और मैं इसका अल्ताफ भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी इतना सारा ख्याल करके ये रोड की पूरी वो जो पार्किंग वगैरह सब हो गई थी उसे सब पाक करा को सब कराए। अल्लाह इनको जजाए खैर दे अल्लाह इनको दुनिया में भी आखिरत में भी इसका बदला नसीब फरमाए।